तो हाँ भाई करें शुरू। मेरा नाम पीयूष है और आज की इस वीडियो को पूरा देखना क्योंकि हो सकता है कुछ फोनों को आप बाय करने की सोच रहे हो। तो हमने ऐसे कुछ फोन रखे हैं जिनको मैं बाय करने की बिल्कुल नहीं सोचता। तो यहाँ पर आज की इस वीडियो में आपको ये पता लगेगा कि ऐसे कौन से फोन हैं जो आपको बिल्कुल बाय नहीं करने हैं। यहाँ पर बेसिकली हमने 5 फोन रखे हैं जिनको मैं बिल्कुल भी बाय नहीं करूंगा। अब क्या रीजन है उनके पीछे, उसके लिए आपको वीडियो पूरी देखनी होगी। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगे ना तो चैनल कर देना सब्सक्राइब, वीडियो कर देना लाइक और कमेंट में जरूर बताना क्या ऐसा कोई और फोन है जो हमने मिस कर दिया इस लिस्ट में। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो विदाउट wasting any time. अब देखो पहला फोन है Google Pixel 7 Pro जिसे अभी भी हम as a secondary device use कर रहे हैं। अब काफी लोगों के question आते हैं कि भाई इसका price थोड़ा कम हो गया, क्या आप buy करा जाए, क्योंकि 64,000 के around इसका price है और after discount 60,000 rupees का फोन पड़ रहा है। अब इस price point पे Google का फोन एक थोड़ा सा लालच देता है कि भाई अच्छा UI है, इसे buy कर लेते हैं। लेकिन मैं अपना experience share करता हूं। देखो सबसे पहले cameras के लिए Google के फोन काफी ज्यादा famous है कि इनके cameras बहुत अच्छे होते हैं। लेकिन मैंने और other YouTubers ने cameras test करे हैं और हमारा result ये है कि भाई कैमरास बहुत ज्यादा ओवर हाइप्ड हैं। पहले हुआ करते थे अच्छे, लेकिन अभी क्या है कि नए हार्डवेयर के साथ अभी भी ओवर शार्पनिंग का इशू है। जैसे कि अगर आप डायरेक्ट सनलाइट के अंदर पोर्ट्रेट मोड क्लिक करोगे तो वहां पर ओवर शार्पनिंग मिलेगी, और डायरेक्ट सनलाइट के अंदर तो कभी कभी पोर्ट्रेट मोड लगाता ही नहीं है। यहां तक कि गूगल ने इंट्रोड्यूस करा था पोर्ट्रेट मोड फोटो के अंदर, और अभी के टाइम पे सबसे वीक पोर्ट्रेट मोड गूगल के फोनों के अंदर ही मिलता है क्योंकि एज डिटेक्शन सबसे ज्यादा वाहियात इसी के अंदर है। कॉन्ट्रास्टी इमेजेस होती है, नेचुरल कलर्स कह सकते हैं बट नेचुरल होते नहीं है क्योंकि ज्यादातर कंडीशन में डिफरेंट डिफरेंट कलर ही शो करती है इसकी फोटो। और सिमिलर सीन फ्रंट कैमरे के साथ है। तो भाई कैमरास तो बिल्कुल भी वर्थ नहीं है 60,000 में देखा जाए तो। बट हाँ अभी Google Pixel 8 Pro आया है जिसके कैमरास इससे थोड़े से इंप्रूव्ड हैं, काफी सारी चीजें फिक्स करी गई हैं। उसकी हमने वीडियो बनाई है, आप चेकआउट कर सकते हो हमारे चैनल पे जाके, यहां तक कि हमने आईफोन के साथ कंपैरिजन भी कराया उसका। बट कैमरास के साथ साथ उसका प्राइस भी इंप्रूव करा गया है, ऑलमोस्ट दुगनी कीमत का 1,05,000 रुपए का 8 Pro है। खैर उसकी आप वीडियो हमारे चैनल पर जाके चेकआउट कर सकते हैं। अभी कैमरास को छोड़कर अगर परफॉर्मेंस की बात करूं तो टेंसर का इसके अंदर प्रोसेसर है, नॉर्मल यूजेज में भी फोन हीट हो जाता है। एंड अगर आप इसे एंड्रॉइड ऑटो से कनेक्ट करके रखते हो ना तो वहां पर तो इसके अंदर काफी ज्यादा दिक्कत है। जैसे कि मैप जनरली हम लोग भाई एंड्रॉइड ऑटो के साथ चला के रखते हैं तो उस टाइम पे इसमें ना बैटरी ड्रेन मिलता है और फोन इतना ही हीट हो जाता है कि काफी बार साइन आ जाता है भाई फोन ठंडा कर लो उसके बाद ही चलाना, कहीं फट ना जाए। और जिटरिंग और लैग तो इसके अंदर भाई रेगुलर मिले हैं। हाँ क्लीन UI आपको मिल जाएगा, बाकी बैटरी बैकअप वगैरह नॉर्मल यूजेज में काफी अच्छा है इसका, एंड लुक और इन हैंड फील भी अच्छी है। बट जिस चीज के लिए गूगल पिक्सल फेमस है वही चीज अच्छी नहीं मिलती इसके अंदर। तो मेरे हिसाब से इस फोन को 60,000 रुपए में बिल्कुल भी मत लेना। अब नेक्स्ट फोन पे मैं ज्यादा टाइम लूंगा नहीं, ये सेकंड फोन S23 FE 5G है क्योंकि 60,000 रुपए का फोन निकाला था, आफ्टर डिस्काउंट 50,000 का फोन पड़ जाता है। अब इस पर ना मैंने एक डेडिकेटेड रिव्यू वीडियो बनाई है जिसमें ये फोन मैंने कुछ दिन यूज करा था, उसके बाद ये वीडियो के अंदर मैंने एक्सप्लेनेशन दी थी कि क्यों ये फोन वर्थ नहीं है। एक तो भाई देखो बेजल चिन बेकार है इस फोन के, डिस्प्ले की क्वालिटी ठीक है, बट यहां पर बात करें कैमरा, लाइक 50,000 रुपीज में इसका कैमरा बिल्कुल भी वर्थ नहीं है क्योंकि सैमसंग के हमने पुराने फोन भी टेस्ट करे हैं, S21 FE 5G स्नैपड्रैगन वेरिएंट और एक्सिनस वेरिएंट इससे ज्यादा बेहतर कैमरास ऑफर करते हैं। यहाँ पर टेलीफोटो डेडिकेटेड लेंस दिया है बट यहाँ पर पिक्सेलेशन काफी ज्यादा, एज डिटेक्शन अच्छा है ही नहीं। एंड अगर आप हल्की सी भी लो लाइट में फोटो क्लिक करोगे बहुत ज्यादा हेजी आती है, और डिटेल की मेरे को इस फोन में काफी ज्यादा कमी लगी थी, तो कैमरास के लिए बिल्कुल भी वर्थ नहीं है। दूसरा इसके अंदर एक्सिनस 2200 प्रोसेसर दिया है। अब इसकी वीडियो के बाद मुझे ट्विटर पर एक ट्वीट आया था कि भाई इसका जो प्रोसेसर है वो 2100 से ज्यादा बेहतर है, लेकिन भाई ऐसा है कि एक्सिनस के प्रोसेसर ऑन पेपर तो इंप्रूव कर दिए लेकिन रियलिटी में इस फोन को जब हमने यूज करा तो नॉर्मल यूजेज में भी फोन हीट हो रहा था। और अगर आप एक्सिनस 2100 यूजर हो तो आपको पता होगा वो हीट नहीं होता था, यहां तक कि उसके अंदर कैजुअल गेमिंग भी की जा सकती थी। लेकिन अभी जो इसका सक्सेसर है इसके अंदर कैजुअल गेमिंग नहीं होती है बिल्कुल भी, और यहां पर भले ही सेटिंग्स अच्छी दे दी हैं एंड कंपनी ने बोला कि रे ट्रेसिंग तक मिलती है गेमिंग के लिए, बट ये सिर्फ कहने वाली बातें हैं क्योंकि इसके अंदर नॉर्मल गेमिंग अच्छे से नहीं होती है। और अगर आप इसके अंदर जेंशन इंपैक्ट जैसे गेम खेलोगे तो 60 FPS का ऑप्शन है लेकिन वहां पर गेम प्ले बिल्कुल बेकार है, तो गेम वगैरह के लिए नहीं अच्छा, और हीटिंग की वजह से इसके अंदर बैटरी ड्रेन भी है। इसके अंदर मेरे को मैक्सिमम SOT मिला था 3 घंटे का, वो भी एकदम नॉर्मल यूजेज पे। तो इस फोन का कोई भी ऐसा डिपार्टमेंट नहीं है जहां पर मैं इस फोन को कह सकूं कि ये वर्थ है, क्योंकि सैमसंग का खुद ही 30,000 रुपए में इससे बेहतर फोन मिलता है और उसका नाम है S21 FE 5G स्नैपड्रैगन वेरिएंट। एक्सिनस वेरिएंट भी आज के टाइम पे बाय मत करना क्योंकि 30,000 रुपए में स्नैपड्रैगन वेरिएंट मिल रहा है, तो मेरे हिसाब से ये फोन बिल्कुल भी वर्थ नहीं है। अब देखो नेक्स्ट सीरीज है ओप्पो रीनो 10 सीरीज। अभी जब ये लॉन्च हुई थी इसमें 3 फोन आए थे, 10, 10 प्रो, 10 प्रो प्लस, और मैंने आपको पहले ही बताया था कि 10 प्रो प्लस ही वर्थ फोन है इसमें, चाहे वो लुक हो, लुक तो खैर तीनों का ऐसे मिल रहा है बट यहाँ पर ग्लास मिलता है जिसके से इन हैंड फील थोड़ी बेटर है, इसका प्राइस भी ज्यादा है उसी के साथ, एंड इसके कैमरास भी स्लाइटली बेटर है उन दोनों फोन के कंपैरिजन में। हालांकि यहाँ पर भी आपको थोड़ा सा चीप एक्सपीरियंस मिलता है क्योंकि ब्लॉटवेयर है, पुश नोटिफिकेशन मिलती है, ऐप रिकमेंडेशन है, लेकिन फिर भी मैं ये कह सकता हूँ कि ये वाले फोन को आप कैमरास और लुक्स के लिए बाय कर सकते हो, और इसका प्रोसेसर भी ठीक है। लेकिन बाकी के जो दो फोन है इस सीरीज में जैसे कि 10 एंड 10 प्रो वो बिल्कुल भी वर्थ नहीं है क्योंकि यहाँ पर कैमरास भाई बिल्कुल भी अच्छे नहीं है, बहुत ज्यादा ओवर वाइड कर देते हैं, लाइट कंट्रोल भी अच्छा नहीं है, एंड एज डिटेक्शन भी बिल्कुल काम का नहीं है। और
हम ओप्पो या वीवो के फोन कैमराज के लिए ही बाय करते हैं प्रोसेसर में कॉम्प्रोमाइज करके, तो इसके कैमराज भी अच्छे नहीं और ऊपर से इन दोनों फोन के प्रोसेसर भी वर्थ नहीं है, जिसकी वजह से ना तो आपको परफॉर्मेंस मिलेगी ना ही आपको यूजर एक्सपीरियंस मिलने वाला। बस क्या अच्छा है, लुक और डिस्प्ले, तो उनका क्या हम अचार डालेंगे, क्योंकि भाई बाकी चीजें तो बिल्कुल भी काम की नहीं है। तो ये दोनों फोन लेने से मैं बिल्कुल मना करूंगा। इसकी जगह देखो 10 प्रो बाय करने से बढ़िया वीवो का V29 प्रो बाय कर सकते हो, उसके कैमरा से ज्यादा बेटर है एंड स्पेशली जो उसके अंदर इफेक्ट्स मिलते हैं वो ज्यादा अच्छे से परफॉर्म करते हैं, बाकी यहाँ पर जो प्रोसेसर है वो भी ज्यादा अच्छा मिलता है, तो मेरे हिसाब से उसको छोड़ के इसे बाय कर सकते हो। हालांकि अगर आप अल्ट्रा वाइड से ज्यादा फोटो क्लिक करते हो तो V29 प्रो को भी मैं मना करूंगा, क्योंकि उसके जो अल्ट्रा वाइड है ना वो थोड़ा ब्लरी फोटो क्लिक करता है, तो अल्ट्रा वाइड उसका भी काम करने। अब वीवो के फोन की बात कर ही रहे हैं तो यहाँ पर दो अभी रिसेंटली वीवो ने लॉन्च करे हैं फोन, एक V29e और एक Y200। देखो Y200 मैंने नहीं यूज करा, रीजन है क्योंकि वो बिल्कुल भी वर्थ नहीं लगा मेरे को प्राइस पॉइंट पे, और V29e मैंने खुद से बाय करके यूज करा था, उसके अंदर स्नैपड्रैगन 695 था वो भी 25,000 रुपए में, और मैंने जितना भी देखा है ना भाई स्नैपड्रैगन 695 20,000 के अराउंड मिल जाता है, और सिर्फ दो ही कंपनियां जिन्होंने इसे अच्छे से ऑप्टिमाइज करा, एक मोटरोला और एक OnePlus। उनके UI के अंदर स्मूथनेस भी अच्छी मिलती है और काफी हद तक वो एनिमेशन भी प्रोवाइड करा देते हैं, लेकिन V29e के अंदर कमजोर प्रोसेसर होने की वजह से एक तो उन्होंने लाइटर UI यूज करा है जिसमें एनिमेशन नहीं मिलती है, और यहाँ पर आपको पता होगा कि प्रोसेसर पर ही कैमरा परफॉर्मेंस डिपेंड करती है, क्योंकि ISP प्रोसेसर पर ही होती है। अब यहाँ पर जब हमने फोटो क्लिक करी थी तो यहाँ पर फ्रंट कैमरा बिल्कुल भी काम करने था, बैक कैमरा के साथ भी सेम सीन था, यहाँ पर लाइट कंट्रोल अच्छा नहीं था, डिटेक्शन अच्छा नहीं था और ओवर शार्पनिंग की भी दिक्कत हमें मिल रही थी। तो V29 25,000 में अगर आप कैमरा के लिए भी देख रहे हो तो भाई प्रोसेसर ने वो भी काम खराब कर दिया, और ऊपर से एनिमेशन वगैरह नहीं मिलती और UI के अंदर जिटरिंग भी आपको रेगुलर मिलेगी। बाकी ब्लॉटवेयर तो भाई वीवो देता ही अपने महंगे फोन तक के अंदर, हालांकि आप उन्हें अनइंस्टॉल कर सकते हो, और अभी हॉट ऐप हॉट गेम मिलता है उनको भी अंदर से जाकर आप डिसेबल कर सकते हो, तो ये तो ठीक है, बट यहाँ पर जो पूरा एक्सपीरियंस है फोन का वही खराब हो जाता है। बट ऑल ओवर जितना मैंने इस फोन को यूज करा है मैं ये कह सकता हूँ कि 25,000 रुपए ना इसके कैमरा अच्छे हैं ना इसकी परफॉर्मेंस अच्छी है, बस अच्छा है तो इसके लुक्स, और मैं कहूंगा कि लुक्स पर ही सारी चीजें डिपेंड नहीं होती है, क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे आपको फोन ही चलाना है। उससे अच्छा तो मोटरोला का H40 नियो बाय कर लो, इससे सस्ते में ज्यादा अच्छी चीजें दे रहा है। अब लास्ट फोन है यहाँ पर सैमसंग का A54, इसकी सबसे पहली वीडियो हमने दी थी इंटरनेट पे, हमने इसके बारे में बताया था कि भाई इसके अंदर UFS 2.2 की स्टोरेज है वो भी 45,000 रुपए में, एंड यहाँ तक कि बेजल चिन भी काफी ज्यादा है, और जो प्रोसेसर है वो भी वर्थ नहीं है भाई, क्योंकि एक तो एक्सेनस का प्रोसेसर है, अब एक्सेनस भले ही है लेकिन एक्सेनस 2100 जैसा प्रोसेसर मिलता तो एक बार को हम कह देते, बट भाई सैमसंग खुद उसे 30,000 रुपए में दे रहा था तो उनको कुछ अपग्रेड वर्जन लाना था। अब यहाँ पर अपग्रेड के चक्कर में उसके अंदर हीटिंग इश्यूज थे, बैटरी ड्रेन थी, परफॉर्मेंस बिल्कुल अच्छी नहीं थी और कैमराज भी अच्छे नहीं थे, तो भाई मैंने कहा था ये फोन बाय नहीं करना। वैसे आप इसकी वीडियो चेकआउट कर सकते हैं, हमने रिव्यू वीडियो बनाई इसे अच्छे से यूज करके, उससे आपको थोड़ा और अच्छे से समझ में आएगा। तो मैं ऑल ओवर ये कहूंगा कि ये वाला फोन तो अपने प्राइस पॉइंट पे हार्डवेयर को लेके भी जस्टिफाई नहीं करता। तो यही कुछ फोन है, अगर मैं खुद भी फोन बाय करूंगा ना तो इन कुछ फोनों के बारे में मैं सोचूंगा भी नहीं, क्योंकि ये बिल्कुल भी अपनी वैल्यू पर जस्टिफाई नहीं करते हैं। बाकी अगर आपको ऐसा लगता है कि कोई फोन हमने इस लिस्ट में मिस करा है तो वो आप हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, और अगर आपको वीडियो अच्छी लगे एंड बायस लगे तो चैनल सब्सक्राइब कर देना, वीडियो कर देना लाइक, और कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर बताना। सो दैट्स इट गाइस, मिलते हैं जल्दी कूल और एक्साइटिंग वीडियो में, तो जब तक के लिए जो मन में आएगा इसको करें टू वॉच योर हार्ट फील स्टेट विद दैट एफवी अनबॉक्स गाइस।